नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रात में मोबाइल को साथ रखकर सोने से क्या नुकसान हो सकते हैं। आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब आलम ऐसा है कि बिना मोबाइल यूज किए या कोई सीरीज या वीडियो देखे बिना हमें नींद नहीं आती है। मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान कर दिया है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी को घटा रहा है। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती है। इससे स्ट्रोक, डिप्रेशन और कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने का खतरा रहता है। अगर आपको भी मोबाइल को पास रखकर सोने की आदत है तो इसे छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि मोबाइल को रात के समय पास रखकर सोने से क्या क्या नुकसान होते हैं। नंबर एक, रात के समय मोबाइल को पास रखकर सोने की आदत आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन से कैंसर, ट्यूमर जैसी घातक बीमारियां होने का खतरा रहता है। नंबर दो, रात के समय हमारे शरीर से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। लेकिन रात के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से और मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन से ये हार्मोन सही ढंग से रिलीज नहीं हो पाता है और अनिद्रा की समस्या होती है। नंबर तीन, रात के समय मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में कोर्टिजोन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और हम नींद के दौरान भी तनाव में रहते हैं। नंबर चार, मोबाइल फोन को हमेशा शरीर से चिपका कर रखने से आपके DNA का स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। नंबर पाँच, रात को मोबाइल पास रखकर सोने से ना केवल कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है, बल्कि इससे डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि रात के समय मोबाइल को पास रखकर सोना कितना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।